आप सबको पता है कि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी ने SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर का एक नोटिस दिया आपके एग्जामिनेशन को लेके। तो आप लोग का बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था कि जो SOP है या फिर जो 50% आपका ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा वो मैं कैसे दूंगा, मतलब पूरा बुक पढ़ के जाना है, कितना मार्क्स का अटेम्प करना है, कितना मार्क्स का मैं लिखूंगा तो मैं प्रमोट होऊंगा या आपका बाकी जो 50% मार्क्स है वो इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा, और बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा था आपका। वीडियो पर आपको डाउट क्लियर करने वाला हो तो आपके पास अगर हेडफोन है तो पहन लो और जो भी कह रहा हो क्लियरली सुनो ताकि आपका कंफ्यूजन से एग्जाम्स को लेकर आपका क्लियर हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजाओ ताकि आप लोग को इस तरीके का अपडेट्स डेली मिलता रहे। स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो। तो कुछ भी कहने से पहले मैं बात करूंगा पहले SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर क्या होता है, तो ये जानना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो SOP का मतलब होता है एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हो गया, अब आपका कुछ भी एक गाइड हो सकता है जिसको देख के आपको बाकी चीज़ों का फॉलो करना है जो एग्जामिनेशन। तो आपको SOP दिया है मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर दिया है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन। ठीक है, आप समझ गए, फटाफट मैंने आपको समझा दिया। अभी बात करूंगा मैं इस क्वेश्चन पेपर को लेकर। ठीक है, क्या लिखा हुआ था, तो उस नोटिस में लिखा हुआ था कि जब आपका सिलेबस है वो पूरा बुक आएगा, ठीक है, फुल सिलेबस आएगा, जितना चैप्टर्स था वो आप सभी को पढ़ना पड़ेगा, पूरा बुक आएगा, जो चैप्टर्स में सिलेबस में कुछ डिडक्शन नहीं है, ये क्लियर कर लो। ठीक है, सेकंड चीज आता है कि आपका पूरा बुक आएगा लेकिन जब आप एग्जाम दोगे, ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, तब आपको सिर्फ 50% मार्क्स को अटेम्प्ट करना है आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन में। तो इसको लेके बहुत कंफ्यूजन है, तो मैं बताता हूं। तो देखो, आपका जो भी एग्जामिनेशन है, मान लो कि मैं एग्जाम्पल के लिए 80 मार्क्स का पकड़ता हूं, मान लो आपका जो थ्योरी पेपर है वो 80 मार्क्स का होता था, ठीक है, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं 80 मार्क्स का, लेकिन आपको क्या कहा गया कि आपको 50% मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है। तो फिर 80 का 50% कितना हो गया, 40 मार्क्स के लिए। तो जब आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करोगे, एग्जाम देने जाओगे, ऑफलाइन एग्जामिनेशन की बात करो, तब आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना वो 80 मार्क्स का ही क्वेश्चंस आएगा, लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ 40 मार्क्स का करना है, मतलब 50%। तो देखो, फिर एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि अगर मान लो कि आपका, चलो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन दिया है, तो ऊपर में जब 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वहां पर लिखा रहेगा अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो मान लो आपका 8 क्वेश्चन है लेकिन उसमें से आपको सिर्फ 4 को आंसर करना है, बाकी 4 को नहीं। तो इस तरीके से आपका जितना भी क्वेश्चंस होगा उसमें आपको ऑप्शंस रहेगा कि आप अटेम्प्ट इतना क्वेश्चन, फिर आपका 50% आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप समझ गए, क्लियरली समझ गए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको क्वेश्चन पेपर 1 मिनट के लिए आप पढ़ोगे तो आपको खुद ब खुद आप क्लियर हो जाओगे कि क्या होगा, 50 मार्क्स क्या नहीं है। तो मैं आपको समझा दिया हूं, पूरा सिलेबस आएगा लेकिन आपको अटेम्प्ट करना है 50%, समझ गए, लेकिन पूरा बुक पढ़ के जाना। और जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर होगा, अब 1 मिनट उसको पढ़ोगे तो आप खुद ब खुद समझ जाओगे, क्योंकि आप लोग बचपन से एग्जाम देते आ रहे हो, तो कोई नई बात नहीं है, और आप लोग काफी समझदार हो तो आप समझ जाओगे जब क्वेश्चन पेपर देखोगे 50% का अटेम्प्ट करोगे। लेकिन मुझे पता है इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करेगा कि मुझे कितना मार्क्स का अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे बैक ना लग जाए। पहली बात, यह मेंटेलिटी गलत है, क्यों ये बात क्यों सोच रहे हो आप लोग कि, तो आप लोग यही मेंटेलिटी लेके जाओगे कि मैं इतना परसेंट का या फिर इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ जिससे सिर्फ पास हो जाओ, तो कैसे पास हो सकते हो। यह मेंटेलिटी लेके जाओ ना कि मैं पूरा जो भी 50% है आपका क्वेश्चन में सब करके आऊंगा तब ना मुझे अच्छा मार्क्स मिलेगा। सिर्फ आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, ये गोल गलत है। आपका ये गोल होना चाहिए या फिर आपका ये मोटिव होना चाहिए कि मैं पूरा लिख के आऊँगा, अगर आए ना आए वो अलग बात, लेकिन मैं सब अटेम्प्ट करूँगा, तभी ना आप सिर्फ पास नहीं बल्कि अच्छे मार्क्स से पास होकर बैक तो लगने का सवाल ही नहीं होता। मैं आपको बता दिया, क्लियर कर दिया, ठीक है। लेकिन बाकी जो 50% आपका बोल रहा है या फिर आपका नोटिस में है कि इंटरनल असेसमेंट से होगा, तो वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो देखो, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, जो आपका 50% हो गया वो इंटरनल असेसमेंट हो, कितना मार्क्स का हो सकता है वो आपका क्लास या फिर आपका स्ट्रीम या फिर आपका डिपार्टमेंट डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं कॉमर्स साइंस आर्ट्स की बात करूँ, सभी का अलग अलग मार्क्स होता है, चाहे सेशनल की बात करूँ चाहे आपका थ्योरी मार्क्स। अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ, बीकॉम में तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता था और 20 मार्क्स का सेशनल होता था। तो अभी अगर साइंस का अलग हो सकता है, फिर आर्ट्स का 75 मार्क्स का हो सकता है थ्योरी पेपर, या इस तरीके का वेराई करता है। तो मान लो कि आपका जो इंटरनल असेसमेंट है, मान लेता हूँ मैं 20 मार्क्स का है। आपका लॉकडाउन के टाइम में अगर कोई बहुत सारा कॉलेजेस में ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया था सेशनल के हिसाब से, या आपको होम असाइनमेंट भी दिया जा सकते हैं, अभी पहले से दिया होगा या फिर आपको नहीं दिया होगा, तो आपका बाकी जो कुछ आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देख किया कुछ ना कुछ देख के आपको 20 मार्क्स के ऊपर आपको मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो आप मुझे सिर्फ कमेंट में एक बार बताओ कि जब लॉकडाउन था तो आपका कॉलेजेस एग्जाम हुआ था, कुछ होम असाइनमेंट दिया था, अगर दिया था तो आप लोगों को टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि आपका ऑनलाइन असाइसमेंट या फिर इंटरनल मार्क्स उससे आपको काउंट हो जाएगा 50%। और अगर आपका नहीं दिया था बाई चांस, तो बाकी आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस हो गया या कुछ ना कुछ करके जरूर देंगे, आप एक बार कॉलेज में कॉन्टैक्ट करके पूछ लेना, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में बढ़ते हैं, वो है कि मुझे इस बार कितना मार्क्स का अटेम्प्ट करना है ताकि मैं पास हो सकूँ, क्योंकि इस बार 50% आपका ऑफलाइन एग्जाम से हो रहा है
और 50% आपका इंटरनल असेसमेंट है। तो देखो आपका जो पासिंग मार्क था ना वो पहले जितना ही रहने वाला है, मतलब आउट ऑफ 100 ही निकलने वाला है या फिर आउट ऑफ जो भी होता है आपका ओवरऑल निकलेगा, क्योंकि 50+50% मिलकर 100% होता है। तो आप जो भी होम असाइनमेंट हो या फिर जो भी आपका इंटरनल असाइनमेंट हो वो आपका काउंट होगा 50% और आपका जो ऑफलाइन एग्जामिनेशन दे रहे हो वो काउंट होगा 50%। तो पहले जितना आपका पासिंग मार्क था उतना ही होने वाला है, ये मत सोचो कि मुझे इतना परसेंट चाहिए इतना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बात क्लियर कर लो। और एक बात कहना चाहता हूँ कि इंटरनल असेसमेंट क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि आप सबको पता है इस साल मतलब 2020 में वैसे आपका सेशनल एग्जामिनेशन नहीं हुआ था, तो इसलिए इंटरनल असेसमेंट हो सकता है, होम असाइनमेंट हो सकता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस देख के भी दिया जा सकता है, ये आपका कॉलेजेस ही बता सकेगा, क्योंकि हर कॉलेजेस का अलग अलग चीज़ें हो सकता है, ठीक है। यही था आज का वीडियो, आपको मैं आसान भाषा में समझने की कोशिश किया हमारा नेशनल लैंग्वेज हिंदी में, होप आपको मेरा बात समझ आया होगा। और अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट कर लो यार, और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, लेकिन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। यही था क्वेश्चन पेपर को लेकर। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आपका 1 तारीख से तो क्लासेस स्टार्ट होने की बात है, आपको पता है सिलेबस 22 डेज में कंप्लीट करना ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और एक चैलेंज है, देखते हैं इसको किस तरीके से किया जाता है। तो देखो आगे जाके क्या होता है, होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। और सभी लोग, मैं दुआ करूँगा जो जो इस वीडियो को देख रहे हर कोई सिर्फ पास ही नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा मार्क्स से अपने 6 सेमेस्टर को अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, ताकि आगे जाके उनको बहुत अच्छा अच्छा जॉब एडमिशन और सब कुछ आपका लाइफ में अचीव हो। तो बस सर शेयर करके इस वीडियो को सपोर्ट कर दो और बाकी लोग को भी देख के उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो इस तरीके का वीडियोज देखने, क्योंकि मैं भी आपका भाई जैसा ही हूँ। सब्सक्राइब करके इस भाई को सपोर्ट करो ताकि आप लोग को भी एट द एंड सपोर्ट मिलता रहे। तो यही था आज का वीडियो, देखने का शुक्रिया, स्टे सेफ और स्माइल करते रहो।